ओम नमः शिवाय सीरियल को फुल HD क्वालिटी में पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारे नए नए एपिसोड्स देखने को मिलते रहें। मैं ओमकार सजग बुद्धि और चेतना से जगत की गतिविधियों को देखने समझने वाले प्राणी जानते और मानते हैं कि मैं समय की गतिशीलता में व्याप्त एक सचेतन झंकार हूं। मैं ओंकार हूं। समय की गतिशीलता, परिवर्तन और निरंतरता में कभी कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकी है। परिवर्तन में अवरोध करने का प्रयत्न जब जब किया गया है, तब तब गतिशीलता ने अवरोधकों को मार्ग से हटाकर परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान की है। यह मेरा ही कर्तव्य है, परिवर्तन का संकेत देने के लिए मैं स्वयं ही प्रयास करूंगा। अचानक ये ध्वनि, ये कंपन। हाँ माँ, ये कैसा कंपन है? अद्भुत है ये ध्वनि और कंपन, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। प्रणाम। सदाशिव के भक्तों के लिए सदाशिव का कोई भी रहस्य सदा के लिए रहस्य नहीं रहता। इस सृष्टि में सभी कुछ परिवर्तनशील है, पल पल क्षण क्षण इस सृष्टि के कण कण में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन की गति व दिशा सदा ऊपर से नीचे की ओर ही होती है। इस सृष्टि में व्याप्त अनाचार, अत्याचार, अनीति व अन्याय को समाप्त कर लोक हित में मानव कल्याण के लिए ही ये परिवर्तन होते हैं। इसीलिए सात्विक शक्तियां भव्य एवं विराट रूप धारण करती रहती हैं। कैसी भव्यता, कैसा विराट रूप? इसका प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुभव तो कैलाश पर जाकर ही होगा। मायावी का प्रवेश हुआ है वैकुंठ लोक में? प्रवेश अवश्य हुआ है, किंतु किसी मायावी का नहीं। तो फिर महान विराट और कैलाश चलने पर ही क्या होगा देवी? देवी सरस्वती, क्या जिस दिव्य स्पर्श का अनुभव मैंने किया है वैसा ही तुमने भी किया है? हाँ स्वामी, हुआ तो है, पर ये है क्या? इसका उत्तर तो कैलाश पर जाकर ही मिलेगा। कंपन कैसा? गुरुदेव, गुरुदेव, क्या आपने भी इसे अनुभव किया? हाँ देवराज, मैंने और आपने ही नहीं, ये कंपन जगत के प्रत्येक प्राणी ने अनुभव किया। हाँ गुरुदेव, मुझे भी अनुभूति हुई है। ऐसा प्रतीत होता है कि दिव्य तरंगों ने मेरा भी स्पर्श किया है। अर्थात ये कंपन हम सभी ने अनुभव किया है। गुरुदेव, ये कंपन, ये अनुभूति, ये दिव्य स्पर्श है क्या? इसका स्पष्ट ज्ञान तो कैलाश पर चलकर ही होगा देवराज। फिर तो हमें शीघ्र ही कैलाश चलना चाहिए। हाँ स्वामी, हमें वहाँ चलना ही चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
परम ब्रह्म परमेश्वर, परम शक्तिमान भगवान सदाशिव की जय। किंतु परमपिता नारद, सृष्टि में और अधिक भव्यता का निर्माण होगा। हाँ नारद, लोक कल्याणकारी कार्यों की वृद्धि के लिए देवाधिदेव ने भव्य एवं विराट स्वरूप धारण किया है। जगत में सात्विकता के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए एवं प्रकृति को विराट बनाने के निमित्त स्वयं सदाशिव विराट बने। परम शक्ति स्वयं को विराट, भव्य और अधिक विस्तृत करेगी, तभी भव्यता और विस्तार संभव होगा। किंतु आश्चर्य का कोई कारण ही नहीं है। लोक कल्याण, सात्विकता और विराट सत्य के प्रसार के लिए इस विराट रूप का संकेत आप सभी को प्राप्त हो चुका है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए हम सभी को समय समय पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। ये स्वरूप भी ऐसी ही लीला का एक भाग है। इसका उद्देश्य केवल यह है कि जगत में पुण्य, धर्म, सदाचार और सत्कर्मों में वृद्धि। तो भगवान, क्या भविष्य में ऐसा कुछ घटित होने की संभावना है जो कि इस जगत के लिए चिंता एवं विपदा कारक होगा? देवराज, इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा कि तामसिकता की उत्तरोत्तर वृद्धि से जगत में देव और मानव दोनों ही त्रस्त और ग्रस्त हैं। आसुरी शक्तियां भी विस्तार पाने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसी स्थिति में आसुरी शक्तियों को सीमा उल्लंघन करने और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकना ही होगा। जब जब तामसिक शक्तियां देव अथवा मानव को कष्ट और हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगी, तब तब मेरा ये स्वरूप उनका विनाश करेगा। विनाशपति परम शक्तिमान भगवान शिव शंकर की जय। जो हुआ है, जो हो रहा है और भविष्य में भी जो होगा, अच्छा ही होगा, लोक हित में होगा, प्राणी मात्र के सुख संतोष की वृद्धि के लिए होगा। त्रिपुरारी भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय। कैलाशपति रुद्र अवतार नीलकंठेश्वर की जय। समस्त जगत के कल्याण के लिए अनादि अनंत अजर अमर सदाशिव ने अपने विराट रूप के दर्शन करवाकर ब्रह्मा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, पार्वती, सभी देवताओं तथा देवर्षि नारद की जिज्ञासा को शांत किया। नारद सदा की भांति भ्रमण हेतु आकाश में विचरण करने लगे। अनायास देवर्षि नारद की दृष्टि शैल पर्वत पर बैठे कुमार कार्तिकेय पर पड़ी। ओम नमः शिवाय। कुमार कार्तिकेय, धन्य है आप कुमार कार्तिकेय, धन्य है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आज मुझे आपके दर्शन का लाभ हुआ। उनका तो कहना यही था कि मैं आपसे भेंट ही ना करूं, किंतु उनका अभिप्राय
मुझे आपके दर्शन से वंचित रखना तो कदापि नहीं था। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि मैं आपके मन में माता पिता के भेंट की इच्छा जागृत करूं, और ये कार्य आपके सम्मुख आए बिना कैसे संभव होगा कुमार। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। देवऋषि आप यहाँ? हाँ कुमार कार्तिकेय, बहुत दिनों से कैलाश पर आपके दर्शन नहीं हुए, सो आपके दर्शन की इच्छा लेकर यहाँ चला आया। मेरे दर्शन की इच्छा? ये क्या कह रहे हैं देवऋषि? मैं तो स्वयं पिता भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती के दर्शन का इच्छुक हूँ, किंतु क्या करूँ, विवश हूँ। वहाँ सभी कुशल मंगल है ना? नारायण नारायण। संपूर्ण जगत का कल्याण और मंगल ही मंगल करने वाले भगवान भोलेनाथ के यहाँ सर्वत्र मंगल ही मंगल होगा कुमार कार्तिकेय। परंतु एक बात मेरी बुद्धि में नहीं आ रही है, क्या आप उसे स्पष्ट करेंगे? जो देवऋषि की बुद्धि से परे है उसे मैं कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ? अवश्य कर सकेंगे कुमार कार्तिकेय, अवश्य कर सकेंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपसे और आपसे संबंधित गतिविधियों से संबद्ध है। वो कौन सा प्रश्न है देवऋषि? यही कि आप कैलाश का त्याग कर यहाँ क्यों विराजमान हैं? ये तो मैं इससे पूर्व भी स्पष्ट कर चुका हूँ देवऋषि, संभवतः आपको स्मरण नहीं रहा। तीनों लोकों की समस्याओं का भार मेरी बुद्धि पर होता है कुमार कार्तिकेय, संभवतः स्मरण न रहा हो, कृपया आप पुनः बता दे। देवऋषि, मैंने शैल पर्वत के वन में रहने वाले वनवासियों और आदिवासियों को भक्ति तथा ज्ञान में प्रवृत्त करने का संकल्प किया है। अगस्त मुनि की प्रेरणा से अब मैं इसी स्थान पर अपने कर्तव्य और दायित्व से बनकर रह गया हूँ। तो आपका संकल्प, दायित्व और कर्तव्य पूर्ण होने पर आप पुनः कैलाश आ जाएंगे न कुमार कार्तिकेय? नहीं देवऋषि, अब ये संभव नहीं। क्यों कुमार कार्तिकेय, इसमें असंभव क्या है? देवऋषि, यहाँ के आदिवासियों ने मुझे इतना प्रेम सम्मान और आदर दिया है कि इच्छा करने पर भी मैं उनसे विलग नहीं हो सकूंगा। कुमार, आपने अपने माता पिता के विषय में क्या सोचा है? क्या वे आपसे अधिक समय विलग रहकर प्रसन्न रह सकेंगे? मेरे सोचने से क्या होता है देवऋषि, होता तो वही जो पिता भोलेनाथ सोचते हैं। तो आप उन्हें सोचना होगा कि पुत्र से मिलने के लिए वे यहाँ आए, क्यों? भक्तों की पुकार पर तो वे दौड़े आते हैं, फिर मैं तो भक्त और पुत्र दोनों रूप में हूँ, क्या वो मुझे दर्शन देने नहीं आएंगे? आशुतोष नाम है उनका, भक्त की पुकार को अनसुनी करना स्वयं उनके वश में भी नहीं, और अब तो उनके दर्शन पाकर आपको एक नवीन अनुभव होगा। कैसा नवीन अनुभव देवऋषि? उनका अद्भुत दिव्य और विराट रूप देखकर। अर्थात? अर्थात क्या कुमार, आपने लोक कल्याण, लोक सेवा और शिव भक्ति से प्रवृत्त होकर कैसा भव्य एवं विराट रूप धारण कर लिया है, तो ऐसे में क्या पिता अपने पुत्र से पीछे रहेंगे? उनका तो नाम ही शिव है। अपनी कल्याणकारी गतिविधियों को तीव्र करके वे अपनी लीलाओं का प्रसार भी तीव्र करेंगे, तो स्वाभाविक है उनका रूप अधिक भव्य एवं विराट हो गया है। तब तो मैं शीघ्र ही दर्शन करना चाहूंगा देवऋषि। कुमार कार्तिकेय, तुम्हारी ये इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। स्वामी, नारद अभी तक नहीं लौटे? हाँ देवी, समाचार प्राप्त करने और पहुंचाने में अति प्रवीण नारद निश्चित रूप से अब तक कार्तिकेय के पास पहुंच चुके होंगे। अब तक केवल वहाँ पहुँचे होंगे? मेरा विचार था कि वे यहाँ पहुँच रहे होंगे। पूरी बात सुने देवी, नारद अब तक ये भी जान चुके होंगे कि कार्तिकेय हमसे मिलने के लिए व्यग्र है। व्यग्र तो हम भी हैं कार्तिकेय से मिलने के लिए। तो फिर हम ही चलते हैं कार्तिकेय के पास। और नारद, जो संदेश लेकर आने वाले हैं? संदेश तो हमें मिल ही चुका है देवी, हम क्या नारद का संदेश पाकर गतिमान होंगे? वो यहाँ पहुँचे इससे पूर्व ही हमें प्रस्थान कर देना चाहिए।
यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो चलिए प्रभु, मैं स्वयं कार्तिकेय से मिलने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। चले प्रभु। और माता पार्वती न जाने कहां अदृश्य हो गए, क्या आपको ज्ञात है? नंदी महाराज, भोलेनाथ अदृश्य होकर जहां भी गए हैं उन्हें खोजता हुआ मैं वहां अवश्य पहुंच जाऊंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। नंदी तथा अन्य शिवगणों को बताए बिना ही कैलाश से चले आए। उचित तो यही होता कि हम उन्हें बता कर आते। क्या अंतर पड़ता है स्वामी? उन सभी को आपके वियोग का अनुभव है, अतः वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि आप किसी विशेष कार्यवश ही गए हैं। फिर नारद जो है वे उन पर सारी स्थिति स्पष्ट कर ही देंगे। माता, भोलेनाथ की आज्ञा के बिना मैं कुछ भी स्पष्ट नहीं कर सकता। नारद, तुम यहाँ? नारद, हम जानते थे कि तुम अवश्य हमारे पीछे आओगे। अपने से बड़ों के पीछे रहने में ही छोटों का हित और लाभ है भोलेनाथ। वैसे संदेश आप तक पहुँचाना ही था, यदि ना पहुँचाता तो आप मुझे कर्तव्य विमुख कहते। नारायण नारायण। कैसा संदेश नारद? संदेश भोलेनाथ तक पहुंच चुका है माता, और वे उसी के अनुसार गतिमान भी है। अब आपको बताने का कोई अर्थ ही नहीं रहा माता। नारद के शब्द जाल में ना आना देवी। सत्य तो ये है कि नारद हमारे साथ कार्तिकेय से मिलने जाना चाहते हैं, इसलिए हमसे यहाँ मिले हैं। पर नारद, जब तुम कार्तिकेय से एक बार मिल चुके हो तो फिर हमारे साथ क्यों आना चाहते हो? सत्य तो यह है भगवान कि किसी को अकेले मिलने पर वो प्रभाव नहीं पड़ता जो उसके माता पिता को साथ लेकर मिलने पर पड़ता है। अच्छा, तो तुम कार्तिकेय पर अपना प्रभाव डालने के लिए हमारे साथ आ रहे हो? नहीं भगवान, कदापि नहीं। मूल सत्य यह है कि मैं माता पिता और पुत्र का मार्मिक मिलन अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, और बहुत दिनों से मन में ये कामना भी थी कि आप दोनों के साथ कैलाश से बाहर जाकर कुछ समय व्यतीत करूँ। सावधान नारद, अवसरवादी होने से बचो। जगत के गृहस्थ प्राणियों के लिए अवसरवादिता दोष होती होगी भोलेनाथ। मैं तो ठहरा बाल ब्रह्मचारी, मुझे कैसा भय, तो मैं चलूं आपके साथ। क्यों देवी पार्वती, पुत्र और माता पिता के इस मिलन के मध्य नारद का आना तुम्हें भला लगेगा? स्वामी, नारद तो कार्तिकेय के जन्म के पूर्व ही आपको पुत्रवत प्रिय रहे हैं, इसलिए इनको साथ ले जाने अथवा न ले जाने का निर्णय तो आपको ही करना होगा, मुझे नहीं। देखा नारद, देवी पार्वती भी तुम्हारे लीला के प्रभाव में आ गई। मैं जानता था कि तुम अपनी बात मनवा कर ही मानोगे। चलो आगे बढ़ो। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। मुनि अगस्त की जय। मुरुगन स्वामी की जय। अरे मुनिवरा, आप ये हमारा मुरुगन स्वामी को कैलाश से इधर में लाए, आप कृपा नहीं करते तो हम कैसा मुरुगन स्वामी का दर्शन करते? आई मुनिवर, बोलो ना,
सुब्रमण्यम स्वामी किधर को आए जी? आएंगे, शीघ्र आएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वे 15 दिन के लिए एकांत तपस्या के लिए जाते हैं और हर अमावस और पूर्णिमा को दर्शन देने के लिए आते हैं। आज पूर्णिमा है, वे दर्शन देने के लिए अवश्य आएंगे। भगवान कार्तिकेय की जय! भगवान कार्तिकेय की जय! भगवान कार्तिकेय की जय! मुझे आने में तनिक विलंब हुआ और आप सभी को मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी, इसका मुझे दुख है। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि मैं आश्रम से 15 दिन दूर रहा और इस समय आप सभी धर्म और भक्ति के मार्ग का निष्ठापूर्वक निर्वाह करते रहे। इसका श्रेय हमको नहीं जे, आपको जाता। कारण यह जे कि आपका कृपा ना होता तो सब कैसा होता? मुर्गुन स्वामी, आपने हम सब का मन में धर्म और भक्ति का ऐसा भावना जगाया कि इसके बिना जीवन व्यर्थ लगता। मुर्गुन स्वामी, इसे हम आप ही की कृपा मानते, अभी की कृपा मानते मुर्गुन स्वामी। भगवान शिव माता पार्वती की जय! भगवान शिव माता पार्वती की जय! भगवान शिव माता पार्वती की जय! आई मुनिवर सुब्रमण्यम स्वामी, आप महान माता पिता की महान संतान है जी। हम सब आपके सामने नतमस्तक है जी, नतमस्तक है। हम तो आपका आरती पूजन करता जी। शिव शक्ति के तुम हो साधन जग मुक्ति के, परम तत्व पर ब्रह्म बालक तुम हो दाता सुखदायक, शालीनता का परिचय तुम हो। निश्चय तुम हो, पार्टी के लिए हो, जय हो,
कार्तिकेय की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान कार्तिकेय की जय। भगवान शिव माता पार्वती की जय। मुरुगन स्वामी की जय। प्रभु सुन रहे हैं आप अपने पुत्र की जय जयकार? केवल पुत्र की ही नहीं, साथ में माता पिता की भी जय जयकार हो रही है। धन्य है, धन्य है वो माता पिता जिन्हें पुत्र की जय जयकार सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन्य है। वह पुत्र भी तो धन्य है नारद, जो अपने सत्कर्मों से अपने और माता पिता दोनों को जनमानस के भीतर प्रवेश करवा कर उनकी जय जयकार प्राप्त कर लेता है। माता, सत्य कहा आपने, माता पिता के सत्कर्मों से पुत्र को लाभ होना ये तो सामान्य बात है, किंतु पुत्र की योग्यता से माता पिता का गौरव बढ़ना ये निश्चित ही गौरव की बात है। और गौरव की ही नहीं माता, ये असामान्य सत्य है। भोलेनाथ, क्या आप इसी समय मुरुगन स्वामी कार्तिकेय से मिलना चाहेंगे? मेरी तो यही इच्छा है कि हम तुरंत चलकर अपने पुत्र से मिल लें। मिलन में शीघ्रता का भाव उचित नहीं है देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। पर हम प्रतीक्षा करेंगे कहाँ? मेरा विचार है हमें इन मुरुगन स्वामी कार्तिकेय भक्त भील आदिवासियों के मध्य भील भिलनी बनकर उनकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। आपका क्या कहना है भोलेनाथ? नारद, कभी कभी तुम ऐसी बात भी कर लेते हो जिसका समर्थन किया जा सकता है। केवल कभी कभी? क्यों, कभी कभी क्या मैंने अधिक कह दिया? विचार उत्तम है। चलो देवी, पुत्र मिलन के लिए एक नया वेश धारण करें और मुरुगन भक्तों के बीच रहकर उनकी भक्ति का सुख प्राप्त करें। कृपया कर हमें ये बताएं उनके दर्शन की रीत कौन सी? नहीं, हमको नहीं मालूम। आई आई, समय आसे निकल गया भक्तो। निकल गया? क्या है, तुम विलंब करके आया? हाँ। तो क्या अब मुरुगन स्वामी का दर्शन नहीं होने का? होगा, कोई होगा, पर वाट करना होगा। वो पूर्णमासी और अमावस को ही दर्शन देता, आज तो अभी दर्शन देकर चला गया। अभी अब अगला अमावस तक वाट करना होगा। मैंने बोला था ना कि शीघ्र शीघ्र चलो, पर मेरा बात तो किसी ने सुना ही नहीं। अयो स्वामी, हम तुमको बोला शीघ्र करो, शीघ्र करो। हम बोला? तुम दोनों बोला होता तो क्या हम तपस्या में बैठा होता? अच्छा अच्छा, अब विवाद से क्या लाभ, क्या अवसर विवाद से लौट कर नहीं आने का। अच्छा ही बताओ कि तुम कौन सा ग्राम से आया? उसी ग्राम से, समीप वाला ग्राम से। अपने पिता के ग्राम से, समगरपुरम से। हम तीनों समगरपुरम से आया, तीनों मुरुगन का भक्त तीनों। अच्छा अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम अर्जुन। हमारा मल्लिका। अम्रो। जान लिया ना नाम, अब हम क्या करें, घर को लौट जाए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं। इधर मुरुगन स्वामी का दर्शन करने को आया, अब बिना दर्शन लौट कर जाने को नहीं होता। लौटे नहीं तो क्या करें, किधर जाए? अगला अमावस्या तक हम रहेगा किधर में? हमारे घर को रहेगा। अब तुम इस गांव के ही नहीं, मेरा भी पौने हो। आओ चलो मेरे घर को। आपके घर को? हम
अपरिचित? अयो अब अपरिचित कहाँ रहे? मैं मुर्गुनो स्वामी का भगत और तुम भी उनका दर्शन करने को आया, हम सब एक हैं। हाँ ओ, तो मुरुगन स्वामी ने सभी के मन में एक होने के भावना जगा दिया। अर्जुन जी शासक और गुरु का यज्ञ धर्म है कि सबके मन में यज्ञ होने का भावना जगाने का। अयो तुम लोगों के मन में भी मुर्गुन स्वामी का कृपा से ऐसा भावना जाग गया है, तो अब चलो मेरे घर को। हाँ आओ 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 आओ। अयो पुत्री पल्ली, ऐ तीनों हमारे पावने मुर्गुन स्वामी का दर्शन को आए, परंतु विलंब हो गया। आई पुत्री, आई मल्लिका, और आई अर्जुन। और ई तुम बरो इनों का सेवक। ई पहुने कभी तक रहने को होना? अगली अमावस तक रहने को होना, मुर्गुन स्वामी का दर्शन करने तक। अब अधिक प्रश्न करने का नहीं, इनका खान पान सुख सुविधा सब तुम पर। हाय बाबा, मैं जबी तक आऊं तभी तक। आता वाला सोमवार को पल्ली का ब्याह ना, आप सभी को ब्याह में भाग लेने को होना। आई तरासू भैया, हम अवश्य आएगा। Na 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 na